नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। स्केल की पहचान, लिडियन मोड या लिडियन स्केल, आज इसकी ओर बढ़ते हैं। मैंने हाल में कुछ लेसन्स पोस्ट किए थे इसी सीरीज़ में डोरियन स्केल और मिक्सोलिडियन स्केल पर, और आगे भी कोशिश करूँगा कि और लेसन्स पोस्ट करूँ ताकि आपको दिखाऊँ क्या क्या तरह के स्केल्स होते हैं जो कि बॉलीवुड के गाने में यूज़ किए गए हैं और आज भी यूज़ किए जाते हैं। आप उन लेसन्स को ज़रूर देखें तो आपको इस लेसन को समझने में थोड़ी आसानी होगी। और इसके अलावा मैंने कुछ लेसन्स बनाए थे मेजर स्केल्स पे और माइनर स्केल्स पे, आप उन लेसन्स को भी देखें तो आपका नॉलेज और भी बढ़ेगा। तो आगे के लेसन्स की तरह इस लेसन में भी हम 4 या 5 बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले दिखाऊंगा कि स्केल में क्या क्या नोट्स होते हैं। मैं वेस्टर्न म्यूज़िक के नोट्स के नाम भी लूँगा और हिंदुस्तानी संगीत में जो स्वर होते हैं उनके भी नाम लूँगा ताकि आपको दोनों तरफ से जानकारी हासिल हो। फिर देखेंगे कि इन नोट्स के साथ आप कौन कौन से कॉर्ड्स बजा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि स्केल की पहचान क्या होती है, स्केल की खासियत क्या होती है। फिर मैं आपको कुछ गानों के साथ कॉर्ड्स बजा के दिखाऊँगा। आप देखेंगे कि जो गाने इन स्केल्स पर बने हुए हैं उनमें जनरली क्या कॉर्ड प्रोग्रेशन यूज़ किए जाते हैं, तो आपको स्केल की पहचान और ज़्यादा हो जाएगी। और उसके बाद देखेंगे कुछ थियोरी के कॉन्सेप्ट्स। इस स्केल को लिडियन मोड कहा जाता है, तो उसे मोड क्यों कहा जाता है, और कौन से हिंदुस्तानी राग हैं जिनमें वही स्वर है जो कि इस स्केल में भी है। और जहाँ जहाँ मैंने गानों के लेसन्स पोस्ट किए हैं जो कि स्केल पे बने हैं, उन लेसन्स के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ज़रूर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लिडियन स्केल। तो आइए देखते हैं स्केल में कौन कौन से नोट्स होते हैं। अगर आप ए से शुरुआत करें तो ए, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, यानी कि सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, तीव्र मा, पा, शुद्ध धा, शुद्ध नी और सा। अगर आप डी से शुरुआत करें तो पहला नोट डी, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, डी, यानी कि वही सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, तीव्र मा, पा, शुद्ध धा, शुद्ध नी और सा। अगर आप सी से शुरुआत करें तो सी, डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी, यानी कि सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, तीव्र मा, पा, शुद्ध धा, शुद्ध नी, सा, यानी कि आप कहीं से भी शुरुआत करें वही स्वर होंगे सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, तीव्र मा, पा, शुद्ध धा, शुद्ध नी और सा। तो आइए देखते हैं स्केल में आप कौन कौन से कॉर्ड बजा सकते हैं। अगर आप ए मेजर में बजाएं तो पहला नोट ए जो है उस पर आप ए मेजर बजाएंगे। दूसरा नोट जो बी है उस पर आप बी मेजर बजाएंगे, ई भी बजा सकते हैं। तीसरा जो नोट है सी शार्प, इस पर आप सी शार्प माइनर बजाएंगे, ए मेजर भी बजा सकते हैं। इसके बाद जो नोट है वो है डी शार्प, इस पर आप डी शार्प डिमिनिश बजा सकते हैं, लेकिन ये सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता है तो आप इस पर बी मेजर बजाएं। पांचवा नोट है ई, इस पर आप ए मेजर बजा सकते हैं, ई मेजर भी बजा सकते हैं। इसके बाद है एफ शार्प, इस पर आप एफ शार्प माइनर बजाएं, आप चाहें तो बी मेजर भी बजा सकते हैं। इसके बाद जो नोट है जी शार्प, इस पर आप जी शार्प माइनर बजाएं, चाहे तो ई मेजर भी बजा सकते हैं। और उसके बाद वापस ए, यानी कि इस पर ए मेजर। तो अभी जैसे आपने देखा ए मेजर में आप बजाते वक्त जनरली ए मेजर स्केल में दूसरे नोट यानी कि बी नोट पर आप बी माइनर बजाते हैं, लेकिन आपने देखा कि लिडियन स्केल होने के नाते आपने बी माइनर की जगह बी मेजर बजाया। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए डी से शुरुआत करते हैं यानी कि आपका डी मेजर स्केल है, तो जो दूसरा नोट है ई, उस पर ई माइनर की जगह आप ई मेजर बजाएंगे। तो आइए देखते हैं लिडियन स्केल की क्या पहचान होती है, इसकी क्या खासियत होती है। सबसे पहली बात, ये मेजर स्केल है यानी कि जो इस स्केल का जो पहला नोट है, टॉनिक नोट जिसे हम सा भी कहते हैं, उस पर जो कॉर्ड बना हुआ होगा वो हमेशा मेजर कॉर्ड होगा। अगर मान लीजिए सी आपका टॉनिक नोट है तो इस गाने का जो होम कॉर्ड है यानी कि जिस कॉर्ड की ओर गाना हमेशा खींचा चला जाएगा वो सी मेजर होगा। और दूसरी बात यह है कि चूंकि स्केल में जो फोर्थ नोट है यानी कि जो माँ है वो तीव्र है, यानी कि जो फोर्थ इंटरवल वेस्टर्न म्यूजिक में जिसको कहते हैं वो ऑगमेंटेड इंटरवल है, यानी कि अगर आप सी स्केल में बजा रहे हैं तो जैसा मैंने आपको भी दिखाया था आप एफ नोट की जगह एफ शार्प बजाएंगे। अगर आप जी में बजा रहे हैं तो सी की जगह आप सी शार्प नोट बजाएंगे। इसके कारण जो है जो सेकेंड नोट है उस पर जो आप कॉर्ड बजा सकते हैं वो मेजर कॉर्ड होगा। तो जनरली क्या होता है कि मेजर स्केल में जो गाने बने होते हैं उसमें जो सेकंड नोट पर जो कॉर्ड होता है वो माइनर होता है, यानी कि अगर आप मान लीजिए सी मेजर में बजा रहे हो तो सी मेजर के बाद आप डी माइनर बजाएंगे। लेकिन गाना अगर आपका लीडियन स्केल में है तो सेकंड नोट जो है उस पर आप एक मेजर कॉर्ड बजा पाएंगे, यानी कि अगर आपका होम कॉर्ड सी मेजर है, आपका स्केल सी पर बना हुआ है, तो आप सी मेजर के साथ डी मेजर में बजा पाएंगे। मैं आपको कुछ कॉर्ड्स बजा के दिखाता हूँ, आप देखिए सुनने में कैसा लगता है। तो मान लीजिए आपका टॉनिक नोट सी है और पहला कॉर्ड जो है सी मेजर है, तो सी मेजर के अलावा आप डी मेजर बजा पाएंगे। अगर आपका टॉनिक नोट जी है तो आप स्केल में जी मेजर के अलावा ए मेजर बजा पाएंगे। अगर आपका टॉनिक नोट ई फ्लैट है तो आप ई फ्लैट और एफ मेजर बजा पाएंगे। तो अब आइए देखते हैं कुछ गानों के साथ ये कॉर्ड प्रोग्रेशंस कैसे सुनने में लगते हैं। मैं आपको तीन गानों की ओर ले जाऊंगा जिन पर मैंने लेसन्स पोस्ट किए हैं और उन्हीं लेसन्स के कुछ हिस्से आपको यहाँ ज़रूर दिखाऊंगा। ये तीनों गाने ई फ्लैट मेजर में है, यानी कि डी शार्प मेजर में, और पहला गाना है हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए फिल्म मासूम से, दूसरा है चंदन सा बदन फिल्म सरस्वती चंद्र से, और तीसरा है जब दीप जले आना फिल्म चित चोर से। आप तीनों गानों को देखेंगे, ये कोइंसिडेंस है कि तीनों गाने ई फ्लैट मेजर में है, यानी कि डी शार्प मेजर, और तीनों गानों में आप देखेंगे कि ई फ्लैट मेजर के साथ हमने एफ मेजर कॉर्ड का इस्तेमाल किया है। ये लीडियन स्केल की पहचान होती है। अगर आप डायटोनिक मेजर यानी कि जो स्टैंडर्ड मेजर स्केल है उसमें अगर आप बजाते तो दूसरे नोट पर हमेशा माइनर कॉर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मान लीजिए अगर ई फ्लैट मेजर में वो गाना हो तो जो दूसरा नोट है एफ, उस पर आप एफ माइनर कॉर्ड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चूंकि ये लीडियन मोड में है इसलिए आप एफ माइनर की जगह एफ मेजर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं तीनों गानों में कैसे ये प्रोग्रेशन यूज़ किए गए हैं। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, जब दीप चले आना जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। तो उम्मीद करता हूँ इन गानों के एग्जाम्पल्स के जरिए आपको इस स्केल की पहचान हो गई होगी। और बहुत से गाने हैं, अगर आप इंटरनेट पे खोजें तो आपको लीडियन मोड पे कई गाने मिल जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि इसे लीडियन मोड क्यों कहते हैं। तो जो डायटोनिक मेजर स्केल होता है उसके नोट्स को अगर आप बजाएं और उन्हीं नोट्स में से जो फोर्थ नोट है उसी को अगर आप पहला नोट पकड़ के चलें और उसी स्केल को वापस बजाएं तो वो जो है उस डायटोनिक मेजर स्केल का लीडियन मोड कहलाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर आप सी डायटोनिक मेजर स्केल लेके चलते हैं तो उसमें नोट्स हैं सी डी ई एफ जी ए बी सी, तो चौथा नोट जो है वो है एफ, सी डी ई एफ। इसी एफ को अगर आप पहला नोट लेके चलें और बाकी सारे नोट्स को सेम रखें, यानी कि आप एफ जी ए बी सी डी ई एफ बजाएं तो वो उसी डायटोनिक मेजर स्केल का लीडियन मोड कहलाएगा, और इसी लीडियन मोड को हम लीडियन स्केल भी कहते हैं। और जहाँ तक रागों का सवाल उठता है, बहुत से राग हैं जो वही नोट्स यूज़ करते हैं जो कि इस स्केल में हैं। बॉलीवुड के गानों में सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए रागों में है राग यमन, और उनसे मिलते जुलते और भी बहुत से राग हैं, राग यमन कल्याण, राग शुद्ध कल्याण, और अगर आप इंटरनेट पर खोजें तो आपको इन रागों पर बहुत से गाने मिल जाएंगे। और आप उन्हीं गानों को अगर आप ध्यान से सुने और उनके साथ आप कॉर्ड्स बजा कर देखें तो आप देखेंगे कि जो स्केल का जो दूसरा नोट है उस पर माइनर की जगह मेजर कॉर्ड बजाया गया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेसन के जरिए लीडियन मोड के बारे में यानी कि लीडियन स्केल के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई होगी। अगर आप अपनी जानकारी और बढ़ाना चाहें तो आप मेरे मेजर स्केल्स और माइनर स्केल्स पर लेसन जो मैंने पोस्ट किए हैं उनको आप ज़रूर देखें, और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि इन लेसन्स में मैंने जो जो स्केल्स दिखाए हैं उन पर मैं डिटेल्ड लेसन्स पोस्ट करूँ। और ये जो लेसन्स हैं इनके लिंक्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगा। तो हमेशा की तरह मुझे अपने सवाल और कमेंट्स भेजें, मैं जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो अगले लेसन तक फिर मिलते हैं, शुक्रिया।